आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम परमेश्वर के अलग अलग गुणों पर मनन कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर सर्वव्यापी है इस बारे में कुछ सीखेंगे। सर्वव्यापी मतलब परमेश्वर सब जगह उपस्थित होते हैं। भजन संहिता 139:7-10 में लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां तू है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हम इन वचनों में देखते हैं कि हम चाहे आकाश में चले जाएं या सब लोग से कहीं दूर चले जाएं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं जा सकते। हम चाहे जो भी कोशिश कर ले, हम परमेश्वर की नज़र और उसकी उपस्थिति से छिप नहीं सकते। आजकल हम कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में हैं। यह ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं जिसने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है, हम सबको अकेला कर दिया है। हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, इसलिए हम सब अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट अपने प्रियजनों को भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम सब लोग एक दूसरे की उपस्थिति से दूर हैं और इस परिस्थिति में परमेश्वर का यह गुण हमें हिम्मत और आशा देता है कि चाहे लोग हमसे दूर हो जाएं, चाहे हम अकेलापन महसूस करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होती है। यह कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर से मिलने के लिए हमें किसी भी स्थान पर या पहाड़ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ कहीं हैं, हम वहीं पर परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का यह वादा है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता और न त्यागता है, और परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है। हमें परमेश्वर से मिलने के लिए कोई विशेष समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए या कोई अपॉइंटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम किसी भी समय परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर समय हमारे साथ रहता है। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी है। हम जानते हैं हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें कभी नहीं छोड़ते। आपके इस वचन और वायदे के लिए और आपके इस गुण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।